क्या नाम है आपका? अर्जुन था पहले। हाँ, अब आरती जायसवाल। आरती जायसवाल क्यों रखा आपने नाम अपना? मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगा। कहते हैं कि मोहब्बत में अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी हर कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसा ही महोबा जिले की रहने वाली युवती आरजू राइन ने किया। दरअसल यहां प्रेम के लिए एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है और मंदिर में विवाह कर युवती आरजू राइन अब आरती जायसवाल बन गई हैं। बता दें कि सालों चले प्रेम प्रसंग के बाद अब हिंदू युवक से गौरिया माता मंदिर में शादी कर ली। इस विवाह में लड़के के परिजन और हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। सभी ने दोनों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया। आरजू ने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए इसे स्वीकार किया है और लड़के के परिजनों ने भी इसे बहू के रूप में अपनाया है। आरजू नाम की युवती ने बताया कि मैंने हिंदू धर्म अपनाते हुए दिनेश जायसवाल से शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। शादी हुई है कहाँ से? शादी हुई है आपकी किससे? आपने शादी की है गोरैया दाई के मंदिर से। हाँ, हाँ। किससे शादी की है? दिनेश जायसवाल। हाँ। आप मुस्लिम समाज से हैं और आपने हिंदू धर्म अपनाया है, हिंदू धर्म की लड़की से शादी की है, किसी ने आपको कोई परेशानी तो नहीं है किसी से? किसी ने रोका टोका था? नहीं। कब से आप लोगों का ये प्रेम प्रसंग चल रहा था? 5 साल हो गए। अच्छा, नहीं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में क्या विशेष आपने देखा जो हिंदू धर्म में आया? हमें शुरू से पसंद था। क्या खास है हिंदू धर्म में, ऐसी क्या विशेषता आपको अच्छी लगी? बस हम पूजा करते थे, हमारे कहते माता धरती थी, हम जाते थे आरती में। अच्छा, अब यहाँ के आप भोले बाबा की पूजा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके माता पिता ने आपको रोका शादी के लिए? कोई परेशानी की समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, किसी ने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। वहीं दिनेश जायसवाल ने बताया कि 5 साल पूर्व उसका आरजू के साथ प्रेम हो गया था। परिवार के लोग नहीं माने तो दोनों ही घर से भाग गए और वापस आकर मंदिर में शादी की है। दोनों प्रसन्न है, मेरे परिवार के लोगों ने भी उसे अपना लिया है और अपनी बहू माना है, अब आरजू नहीं बल्कि आरती है। किस लड़की के साथ आपकी शादी हुई है? जो आरजू राइन से शादी हुई है हमारी, आरजू राइन से शादी हुई है। मैं दिनेश जायसवाल हूँ, गौरैया दाई मंदिर से हमारी शादी हुई है। कल कब से आप लोगों के बीच ये प्रेम प्रसंग चल रहा है? कम से कम 5-6 साल से। किस तरह की सुरक्षा की मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि हम किराए से रहते हैं, हमें घर कारोबार सब दिलवाएं तो अच्छी बात है, तो हम अपने समाज में, हिंदू समाज में अच्छे से मतलब रह सकें। हिंदू समाज के लोग आपकी शादी से खुश हैं या ना खुश? हमारे हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं सब खुश हैं। वहीं दिनेश की माँ बताती हैं कि वो अपने बेटे के शादी से खुश हैं और उनकी बहू जो पहले मुस्लिम थी उसने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। अब वो चाहती हैं कि सरकार इनकी सुरक्षा पर ध्यान दे, साथ ही इनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाए ताकि अपना परिवार चला सकें। कौन धर्म की लड़की से शादी भाई का है? अरे इनकी 4-5 साल से मतलब चल रही थी, बाहर भी भाग गए थे, अब अभी आए हैं। सो माने अब जब आ गए उन्होंने बहू से माने करा दी शादी। कौन धर्म की है? मुसलमान की। अब हिंदू धर्म अपना लिया उन्होंने। आप लोगों को कोई इसमें कोई आपको समस्या लगी या आप लोगों ने मनाना किया शादी के लिए पहले? नहीं, हमने नहीं करी मना। वो तो भाग गए थे 4-5 साल बाद जैसे आए, तो अब घर तो हमारा छोटा सा है ही, तो हमने कहा चलो किराए से। शादी के बाद कोई अब डर महसूस होता है? अब यह हमें तो ऐसे के अंदर रहने, हमें तो कोनो माने बनेंगे, अब उन्हें बाहर फिरने हैं तो वही को मतलब लगात के कोनो या सुना हो कि मुसलमान कोनो हास्ता कर देवे। तो क्या है आपकी सरकार से काम मांग है? अब यही है कि उसकी मतलब लड़की सुरक्षा कर में उखर रहे खा, उसकी मतलब कारोबार के लाने अपने से वो करे खे आराम से।
बता दें कि महोबा जिले के मनवाड़ी कस्बे में रहने वाली युवती आरजू राय ने अपने प्रेमी की खातिर धर्म को अपनाया है। कस्बे के ही हिंदू युवक दिनेश जायसवाल और आरजू की 5 साल पूर्व मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में इस कदर खोए कि साथ जीने मरने की कसम खा बैठे, मगर भूल गए कि इनके प्रेम में इनके धर्म भी आड़े आ सकता है। लेकिन दोनों के बीच अटूट प्रेम में आरजू दिनेश के साथ विवाह करने के लिए अड़ी रहीं। परिवारों के विरोध के चलते प्रेमी जोड़ा घर से भाग गया, जहां दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली और साथ रहने लगे। अब जब 5 साल बाद दोनों अपने गांव वापस लौटे तो दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया, जिसके साक्षी वर के परिजन और हिंदू संगठन के लोग बने। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्योरती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।